इसमें कोई इनकार नहीं, घटनाएं जो हैं कुछ घटी हैं। उसके बाद उस साथ साथ जैसे जैसे जो घटनाएं नोटिस में आई तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें पहुंची है, रिस्पॉन्स जो है तुरंत किया है, FIRs रजिस्टर हुए हैं और अरेस्टिंग्स हुई हैं। साथ में हम लोगों ने जो हम लोग लीगल कार्रवाई कर रहे हैं करके सब डिविजन स्तर, ज़िला स्तर, सब जगह पर जहाँ पर पदाधिकारी जो है वो जा करके जनता के साथ जो है संपर्क कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस तरह की अभी तक कोई भी घटना रिपोर्ट नहीं हुई है जिसमें किसी का बच्चा चोरी हुआ हो। अगर कोई संदिग्ध सामने भी आते हैं तो नियरेस्ट जो थाना है उसको सूचना दें। इसके बाद ओवरऑल जो है एक अगर हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं तो ऐसी घटनाओं में कमी भी आई है। आज एक पुनः घटना रिपोर्ट हुई है मॉब लिंचिंग की नौबतपुर में, तो इसमें भी इमीडिएटली थाना के द्वारा जो है रिस्पॉन्स किया गया है और 22 व्यक्तियों की अभी तक अरेस्टिंग भी हो गई है। और अभियान हम लोग का जागरूकता का जो है वो हम लोग दोबारा चला रहे हैं। ये बहुत क्लियरली जो है पुलिस का मैसेज है, पुलिस का संदेश है, अपील है कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो कानून के विरुद्ध वो भी खड़ा हो जाता है, उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे, बहुत सख्त जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन वहीं पर साथ में पुलिस जो है वो अपेक्षा रखती है कि आम जनता जो अच्छे लोग हैं वो जो जागरूकता है इस बारे में आगे बढ़ाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई असामाजिक तत्व जो है उनके हाथों का खिलौना ना बने और कानून के विरुद्ध जो है खड़ा ना पहचान हो पाई है। पहचान जो है वो प्रक्रिया में है।